अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपने चैनल पर पिज़्ज़ा रेसिपी, वो भी कढ़ाई में। तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, वो भी कढ़ाई में, विद इन 10 मिनट्स। जो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि हम इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हमने लिया है इसके लिए पिज़्ज़ा बेस, जो कि मैंने घर पर ही रेडी किया है। और इसमें स्प्रेड करूँगी मैं टमाटो केचप। टमाटो केचप को मैं चारों तरफ इसमें अच्छे से स्प्रेड करूँगी। और किसी को अगर ये पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेशन में बता सकता है। अब मैंने ली है इसमें कुछ वेजिटेबल्स, जो कि मैं इस पर टॉपिंग करूँगी। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप उस वेजिटेबल को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कैप्सिकम। अब इस पे ऐड करूँगी मैं अनियन के स्लाइस, जिसे हमने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। आप कोई और वेजिटेबल भी पसंद करते हैं तो वो भी इस पे ऐड कर सकते हैं। ऐड कर रही हूँ मैं टमाटर के स्लाइसेस, जिन्हें मैंने राउंड शेप में कट किया है। ये है कॉर्न। कॉर्न को भी मैं अच्छी तरह पिज़्ज़ा बेस पे स्प्रिंकल कर दूँगी। अच्छे से आप कॉर्न को इस पर स्प्रिंकल कर दें। अब मैं ऐड करती हूँ इस पर मोज़रेला चीज़। जितनी चीज़ आपको पसंद है उतनी चीज़ आप इस पर ऐड कर सकते हैं। चीज़ को आप किनारों पर भी लगाएं, वरना तो हमारे जो किनारे हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, यानी टाइट रहेंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे। यह है चीज़ स्लाइस, जो कि मुझे पसंद है पिज़्ज़ा में। तो अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने ली है एक कढ़ाई और उसको गर्म किया है। फिर इस पे मैंने रखा है स्टैंड। स्टैंड के ऊपर रखेंगे हम पिज़्ज़ा और इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। आफ्टर 10 मिनट्स जब हम आप इसको खोल कर देखेंगे तो हमारी जो चीज़ है वो ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी होंगी और वेजिटेबल भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी होंगी। तो अब इस पे करते हैं हम चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करेंगे। मुझे चिली फ्लेक्स ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा स्प्रिंकल किया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर एक स्पाइसीनेस के लिए, और लास्ट में ऐड करेंगे हम ऑरिगैनो। आपको इन तीनों में से जिसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा क्वांटिटी में आप इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और गर्मा गर्म पिज़्ज़ा हमारा तैयार है, इसे हम खाएंगे सॉस के साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कढ़ाई पिज़्ज़ा रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।